अपना विचार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने बिट्टू मोएगी राम राम। आज हम हरियाणा से विलुप्त होती एक खेल के यानी जिसको चौपड़ बोला जाता जो कि हरियाणा में बहुत ही कम खेलते हैं। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग इसको बहुत ज्यादा खेला जाता था और बहुत ही प्रसिद्ध हरियाणा खेल था। और हम आज मैसवान खुर्द के चुनावी सर्वे दौरान हमें कुछ यह हमको यहाँ पर कुछ जवान चौपड़ खेलते हुए मिले। वैसे इस उम्र में बहुत ही कम इस चौपड़ को खेलते हैं और हरियाणा में आज इसको खेलने वाले बहुत ही कम रह गए हैं, कहीं कहीं पर मिलते हैं। आज हम इस खेल के बारे में आपको बताएंगे कि कितने बाठी होते हैं, कैसे इसमें खेल आते हैं, कितने नंबर होते हैं, कौन जीतता और कैसे जीता जाता है और कैसे हारते हैं, कहाँ पर बाठी पटती और कैसे पटती है। राम राम जी, आप अपना नाम बताओ। अनिल कुमार। अनिल कुमार भाई कितने उम्र होगी जी? होगी भाई 45-46 साल की। कितने उम्र तक खेलने लगे? भाई मैं 2-3 महीने तक खेलने लग गया हूँ। अच्छा, मतलब नए नए खिलाड़ी हो? नए नए खिलाड़ी हूँ। गुरु कौन आपका? अरे बिजेंद्र पुनिया भाई, बड़ा गुरु। उन्हें सिखाया था थोड़ा थोड़ा, भी पूरा ना आया है। अच्छा, पूरा भी नहीं आया है। अच्छा जी। हाँ, उन्हें सिखाया। वो खेल देना मजा है? खेल देना घना मजा। अच्छा। इतना मजा तो कदे भी तसम ना आवे कदे। पहले ताश खेल यार। ताश खेल यार देखो। आप कब तक खेल रहे हो जी ये खेल? कई साल तक खेल रहे हैं। आपका नाम क्या है जी? नरेश। आप कब तक खेल खेल रहे हो? कई साल हो गए। कितना टाइम फिर भी हो गए होंगे? 15 साल तक। 15 साल यानी आप मंजे हुए खिलाड़ी हो रहे? हाँ लगभग लगभग। हाँ अच्छा जी। आपका अगर कौन रहा हो खेल सिखाने वाले? धर्म मेरे। अच्छा। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी आपका? जयवीर। कितने टाइम तक आप खेल खेल रहे हो? 10-15 साल से। बढ़िया टाइम पास हो जाए जी? बढ़िया, मजा आ खेलने में। कती जी साहब है। अच्छा जी, आपका गुरु कौन रहा भाई? हम तो देख देख के सीख रहे हैं। अच्छा, भगवान ने सिखाने वाला मतलब गुरु कोई नहीं माने। आपकी उम्र कितनी होगी जी? 65 साल हुई। आपका नाम क्या है जी? राजा नंबरदार। राजा नंबरदार। कितने टाइम तक आप खेल रहे हो? मान लो हो गए ने दिन हो गए 30 साल हो गए। देखते ने खेल देने। अच्छा जी। देखा फल तो खेल रहे गाय का। अच्छा जी। कितना टाइम? 35-35 साल हो गए आपने खेलते ना जी। कभी आप बोर नहीं हो इस खेलते? मजा आ खेलने में। हां बढ़िया मजा आ, टाइम पास बढ़िया है। बढ़िया टाइम पास हो जाए जी। चौपड़ बनाओ चौतरा। अच्छा जी। और ताश करे पास। अच्छा जी। सरकार आदमी का टाइम पास हो जा, गरीब का हो जा नाश। अच्छा जी। हां ये समझो ये चौपड़ी सी चीज है। अच्छा जी। मतलब आपके को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? हां ना कि ना ढाली आदमी ने भरते अपना टाइम पास कर ले, टाइम पास की बात है। अच्छा। काम छोड़ गए नहीं? काम छोड़ गए नहीं। हां ये ढाली आदमी का ये कमर के साथ प्राप्त किया तजुर्बा है जो आप हमको बता रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि जो आदमी घर घर का सीख ले है वो वैसे नहीं सीखा जाता। बिल्कुल। और ये अमर के साथ का एक तो जवाब बताया कि अगर फ्री टाइम हो तो खेल लो, वैसे खेलना कोई जरूरी नहीं। चलो जी, इस खेल के बारे में हमको अब आप कुछ बताओ जी। हाँ बोलो। कितनी बाठियों है जी? 16 बाठियों है। अच्छा, रख दियो। ये मतलब इसकी चाल का पूछा लिया कि पहला कौन सा चाल लगा? कोई भी चाल, कोई सा भी चाल, कोई सा भी चाल। अच्छा, इसमें है ना जो करे नंबर है ये समुद्र हो जाएंगे ना तो ये 7 हो जाएगा। अच्छा, इसका कुछ नहीं अहमियत है फिलहाल। मतलब ये 7 है, ये है मतलब चौपड़ चौपड़ नहीं, ये कोड़े है, ये कोड़े है चौपड़ ये है, ये चौपड़ है, ये सार मतलब ये चौपड़ है। हाँ, ये सार है, ये सार है, और ये कोड़े है, ये कोड़े है। अच्छा जी, ये मुद्दे हो जावे तो 7 बन गया। अच्छा, इनका नंबर हो गया। अच्छा, इनमें तो एक खुला हो जाओ तो 35-15 हो जावे। अच्छा जी। अच्छा, तो 15 में साल याद तक चल रही है, 15 आ जाएगा एक बाठी जी, एक बाठी। अच्छा जी। फिर आ गया यो। अच्छा, दो रह गए, दो रह गए। अच्छा जी, खाली इसके दो ही लगेंगे? इसके दो ही लगेंगे, ये दो लग गए, दो लग गए बस। तीन बन गया बाठी, आड़े तो चाल के, आड़े आड़े चाल के, आड़े आड़े चाल। यू घर है भाई, घर है, इन्हें घर बोलना, आड़े इनका राखड़ी कर लो। अच्छा जी, ये घर बोलते हैं, घर में तो याद निकलेगी 1-2-3-4-5 ऐसे निकलेगी। अच्छा, या 15 बन जाए सीधा, ये 15 15 दे।
आजाद अभी फिर हो जाऊं मतलब यहां बैठे वापस जी ताले की मतलब पूरे इस हां पूरे अंदर यहीं यहीं के अरे यहीं घुसेगी अच्छा मतलब पूरा चक्कर लेगा ना हर बार यहां आना इसने यहां 84,000 जूनी नहीं वो बोल दे इसने उस पर बना रखी है यार ये उस पर बना रखी है हां 84,00,000 हां ये 84 गुम कैन 84 में अंदर घुस जाएगी 84 खाने है अच्छा एक इसका दूसरा पौ है 25 का जिन्हें 25 बोलना पांच खोल लियो दो मुद्दे हो तो होगा दूसरी लगा ये जा जो 15 देरी है आड़े तो आड़े से चल लेगी इसका 25 आड़ा आ गया एक ना जो जो बात सी हो जो ये 84 स्त्री है जो बात बीच में बताने तेरा हां 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 तो ये आने के चाल का होगी या ये भी आने का होगी अच्छा जी इसमें एक ये खुल ये न्यू हो जाए खुल ले खुल जाए हां एक 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 मोटा आ जाएगा ना छह खुल जाए छह खुल जाए ये खुल जाए ये 35 हो जाएगा अच्छा जी यारे चल लेगी यारे चल लेगी सीधा 35 आ रहा होगा गरिए भाई ये 35 आ गया ये सारे खुल हो जाए 18 फिर गले नहीं कच्चा डा है ये मतलब गला कैसे नहीं जो करे इसमें 3 पो आ गए तो वो खत्म है 2 आओगे ना तो चल जाएगी 3 सिद्धि होगी ये ना ना 3 बार जाओगे ना ये मान लिया ये 3 बार गए अच्छा लगातार 3 बार गए कुछ नहीं अच्छा जी अच्छा ये चौथी बार फिर ये आ गया चौथी बार फिर आ जाएगा फिर शुरू हो जाएगा अपने वहीं से एक एक हां और ये बैठी पट्टा कैसे है पेट्टे ये आपस में पेट्टे में पत्थर डाल के नहीं बताया ना बताऊंगा ना मनाना ना हम लोग बताऊंगा पेट्टे ये पूछा है ना ये मारे वैसे ये तोरी मारे समझा जी ये मत मार पेट्टे की भाई मत मार इसका पत्थर डाल के जा गया देख मतलब क्या नंबर आ गया नो तो मैंने मेरा ऊपर नहीं पास सुनो जो खेल है खेल चल रहा है इस भाई का सारा इसका इसका 15 आ गया जो सही गेरा का ना ये गेरा का ये सारे मुद्दे होकर एक सीधा रह गया ना अबे न्यू गेरा ना गेरा का ना जो सारे मुद्दे हो जाओ एक सीधा रह जाओ तो फिर उसके ऊपर नंबर आएगी अच्छा जी आप आपसे अपने घर हां उसकी उसकी आड़ा अपने घर में नहीं आ बाहर वो गेरा का ना तीन हो राजा दिया ये भी हां ये भी पिट जाए तीन आ जाते फिर तो उसने रिपीट दो सारी उड़ाई इकट्ठी चार हो गया ना मतलब इतने नील टंडा नहीं हारते 15 जैसे 15 आ गया 15 पिट गई 3 और आ गए तो 3 पिट मार गई तो ऐसे पिटेंगे दो एक सार दो सार पिट सके हैं अग्नि कई पो आ जावे कच्चा डा आ जावे जैसे बीच में 7 आ जावे बीच में 7 आने के बाद कुछ भी पिट सके ये कच्चा डा है इसमें है ना वो गलेंगे नहीं एक किस्म के दुकर पर खत्म हो जाओ हैं खत्म नहीं होंगे दो के बाद में अच्छा फिर अटके फिर चालू हो जाएंगे जैसे दो पो आ गए 25 के दो पो आ गए बीच में 7 आ गया अग्नि बीच में 7 आ गया तो गड़े नहीं दो दो डा 25 हो गए 50 डा दो हो गए हाँ 7 ये हो गए तो 57 डा हो गए उसके बाद में दो पो और गिर सके हैं पहले तो आप अपना नाम बताओ जी मेरा नाम तो मनोज है इस हाँ इस कितने टाइम तक आप खेल रहे मैं तो नो समझ ले जब से वहां से बड़ा खेल कराने पापी हो यानी सुनो पता है आपका गुरु कौन है जी मेरा गुरु विजेंद्र है विजेंद्र पुनियागण है का गुरु है यू सच्ची पूछ यार खेल को जीवित रखने वाला सुनो इसमें जो बता रहे थे ना इसमें शुरुआत हो पोत है अच्छा पो अगर 15 का 25 का और 35 का जो आपने दिखाए थे ना अगर 5 सीधे हो गए तो 25 हो गया 6 सीधे हो गए तो 35 हो गया और एक सीधा हो गया तो 15 ये 3 पो है अगर जो या शहर चालू हो गए ना सारी बार धरी रहे हैं जो कंप्यूटर में भी खेलो ना आप सारी बार धरी रहे हैं शुरुआत होगी तो पो आ लेगा पो को ऐसा हो 15 25 35 को ऐसा हो जब वो शुरू हो जाएगा उसका मतलब वह शहर जी जाएगी भीतर समझ गए उसका अग्ग चालन लग गएंगी फिर जित बताई थी ना उड़द चालन लग गएंगी जब एक चाल गई तो एक का चलने जाएगी दूसरे पो आ गए एक बार में दो पो आ सके आदमी का चाहे कोई जब तीसरी बाजी आएगा तो उगल गया पलड़े भी गए समझ गए तो एक बार में दो पो आ सके किसी भी आदमी के और फिर जब उसने चला दी फिर अगला आदमी आ नंबर आ गया फिर वो पो गिर रहा बैठी जो अपनी बाहर लकड़ जा पटक है ये वापस भी जा बाहर लकड़ी की दवा धरी गई उसके बाद फिर पो आओगा जब बचा लगी मतलब इतना पूरा दोबारा उड़ा चली जाओ उड़ा चली जाओ अच्छा चारों खड़ी होगी तो जब पो आओगा ना तो उस पो की एक और वैल्यू है अगर फिर एक और लिखा एक और लगेगा उसका जो 25 लग गया ना एक पो में 25 आ गया तो 25 लगेंगे चारों पो खड़े करके जब 25 आओगा तो फिर 26 लगेंगे उसके एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा
हिम गुरु जी हम बूझ लो तो पूछना ये मतलब फिर जीतता आज कोसागा जीतने वाला कैसे जीतता मतलब जो लास्ट में जीतता उसकी क्या हुआ नहीं नहीं जीतने वाला था जो सब ने ना बिना पीटे ने सब ने भीतर कर जाएगा जैसे इसकी सार है ये सार होगी इसकी ये होगी ये इसके अंदर बगैर पेटे है ना बगैर पेटे अंदर चली गई और उसकी भाई की भी सामने वाले की भी चली गई अच्छा तो जब जाके लिंडा हो जाएगा आमने सामने दोनों आगे जब ये सारे एक दूसरे की पीठ के अंदर जाएगी ना जब लिंडा होगा न्यू ना आग बिना ब्रेम बच का जाए पीठ का दाना पीठ का दाना जरूरी है मैंने पीठे चली जाओ ना फिर ना रुक जाएंगे बने सारे पीठे जाऊंगी ना कच्ची हो जाऊंगी चारों याद आ जाए ये बोलते कच्ची होगी कच्ची होगी फिर इनका मैं तो गया वो मैं तो गया कैंसर होगी ये देखो देखो ये है ना हाँ ये देखो ऐसे हो गया ना यहाँ सारा गिर ना यहाँ सारा गिर तो एक पो और गिरना पड़ा मैंने एक पो गिर कर ये उतर जाएगी फिर इसी घर आ जाएंगी नहीं बगैर पीटे आऊंगी तो इसकी तरफ तो है और जो खड़ी है ना वो तो खेला तो खेल रहे हैं यू जो कच्चा हो गया ना कच्चा हो गया चेरू आड़ा आएगी इसी घर आ गई वीडियो बनानी है ना टाइम क्या करना है वीडियो बनानी है जब हमने सामने आ रहा की इसमें चली जाए तो जब जी चोट मार के ने पीट के सारा है का जरूरी है दूसरा विरोधी पिटनी जरूरी है अच्छा और अपने वाले के आगे जाओ पिटनी वो है उसके साथ में गठबंधन है जैसे बीच इसका बीजेपी का जेजेपी का गठबंधन है ऐसे गठबंधन कर फिर ये दूसरा ने पीट के हां दूसरा ने तो गलती है ना ये नहीं दूसरा ने हां अगर दूसरा ने पीट सके है दूसरा ने पीट सके है गठबंधन वाला पीट सके दूसरा ने यहाँ भी पिट सके ये अच्छा मतलब आप बता रहे हो हाँ जी हम बताओ ना वो बोली हाँ मैं बताओ ना फिर जो आधा लिंडा खेल मतलब खेलते खेलते बोली हो जाए हाँ बोली ऐसी नहीं होती बोली हो बोली ऐसी नहीं होती जैसे इस भाई ने कोट मिल गया अच्छा इस भाई ने कोट मिल गया सार पीट दी उसने मिले नहीं अच्छा तो यू बोली काट सके जहीन दोनों ने कोट मिल गया इसने कोट मिल गया उसने कोट मिले नहीं तो यू बोली काट सके बोली काट सके जैसे यहाँ पर अड़ लेगी ना यहाँ पर रहेगी और इसका पो आ गया और यू पीट सके यू पीट के ना बोली ने इसकी चल भी सारा ऐसे ही ऐसे ऐसे चले अंदर तक ऐसे चलती है फिर इसकी यहाँ से आडी हो लेगी यहाँ तो इन्हें चल लगी घसरती घसरती यहाँ आ जाएगी ना यहाँ आ जाएगी यहाँ आने के बाद में पो मारेगा तब बाहर निकलेगी इतना बाहर नहीं निकले अच्छा फिर पो मारने के बाद में फिर ना ये इस पहले इस साइड चलती है न्यू चलेगी फिर यहाँ बोली होगी यहाँ ये आड़ा आड़ा फसो से से किसे की दे के में फसो से जोड़े फसो सब ने क्या अपने फसो से दूसरे फसो हमें अपने नहीं अपने तो पीट नहीं सकते मैं बोला था अपने का चोट मार दिया ना अपनी नहीं दूसरी किसी की फसो दोस्त मन की अच्छा जी जब भी मारेगी अच्छा फिर काटा कोई ना बेसिक वो ठीक है जी तो याद थी भाई चौपट खेल की जानकारी तुमने खीसी लगी बता दियो भाई वैसे आपने हरियाणा में खेलने वाले थे बहुत कम बच्चे आपके बीच में एक संस्कृति छोटा प्रयास था जय हिंद जय भारत।